आज इंग्लिश में आपका बहुत स्वागत है। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपका पूरा कोर्स समाप्त हो गया है। आज रिवीजन करते हैं। ये तीन बुक्स हैं, एक बिहाइव, वुमेंस और वर्क बुक। ठीक, तो फर्स्ट शुरू करते हैं बिहाइव बुक से, देखते हैं इसमें कितने कंटेंट्स हैं। कि जो आवाज को
तो एवरेज स्टीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हिज मदर ठीक बट शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड यानी उनकी जो मदर है एवलिन की तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया जब वो 8 साल की थी शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन इट वॉज कन्फर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट ही सेड हर हियरिंग वॉज सेवरली डैमेज्ड ठीक तब उन्होंने इस चीज को कन्फर्म किया कि जब वो 11 साल की हुई ये जो है बिल्कुल डैमेज है बिल्कुल वो सुन नहीं सकती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉजेस फॉर व्हिच एवलिन परफॉर्म्स एवलिन ने किस जगह में क्या परफॉर्म किया एवलिन गिव्स प्री परफॉर्मेंस इन प्रिजंस एंड हॉस्पिटल्स शी आल्सो गिव्स परफॉर्मेंस टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस ठीक उनका जो प्रस्तुतिकरण था एवलिन का तो जेल में और हॉस्पिटल्स में किया उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और अब डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं हियरिंग मींस सुनना नर्वस यानी गिव अप देना ज़ाइलोफोन एक हमारे बच्चों उसकी डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को समझे एच ई ए आर आई एन जी यानी मींस सुनना N E R V O U S nervous यानी बेचैन होना इसका दूसरा अर्थ है worried बोल सकते हैं G I V E give up accept defeat इस छोड़ देना xylophone X Y L O P H O N a musical instrument एक प्रकार का वाद्य का नाम है S E N S E sense means feel करना या अनुभव करना pitch आपको लिखना है इसको आपको आज जो रिवीजन कराया है पोयम 1 और लेसन 2 का आपको बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करना है आपको स्पेलिंग सही लिखना है आपको रीडिंग जरूर करना है आप भी बुक निकालें और उसकी क्या करेंगे रीडिंग करेंगे ठीक है और जो भी समझाया उसको अच्छे से पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में बनाएंगे ठीक को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे थैंक यू सो मच